दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होगी। इस बैठक में पार्टी अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट पर चर्चा कर सकती है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर आज कोलकाता में बड़ी रैली करेंगे। इसके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा पश्चिम बंगाल महिला आयोग के खिलाफ आज प्रदर्शन भी करेगा। पीएमएलए कोर्ट के रिव्यू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट पर आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शीर्ष अदालत के जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा वाली मांग पर याचिका पर आज सुनवाई करेंगी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, तलब करने और निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीमित शक्तियां दी थी। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज फैसले के लिए तारीख तय है। अगले साल की शुरुआत में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की प्रदेश इकाई ने संतोष ओझा को पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी ने यह जानकारी दी है। पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा द्वारा ओझा के नियुक्ति पत्र के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से मोर्चे का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वैन क्लोवेरेन राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। क्लोवेरेन दूसरी भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग तो तय होती रही है, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक पहली बार होने जा रही है। आरआईएमएस अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अगला अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक के सदस्य के रूप में कार्यरत है। पूरी जिले के 30 से ज्यादा घरों में भयंकर आग लग गई। मौके पर सभी अपने अपनी जान बचाकर घरों से बाहर निकले। अग्निशमन विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया। राहुल गांधी का 5 से 6 सितंबर को अमेरिका जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इससे पहले ये दौरा लंबा रहने वाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते इस कार्यक्रम को कम कर दिया गया है। अब यह दौरा 5 से 7 दिनों का ही रहेगा। अब तक की 10 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में, मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाए जॉब हमारी प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICA Edge Skills Private Limited। हमारा पता प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट थर्ड फ्लोर अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर डॉक्टर मुंजे मार्ग थंतोली नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए USFDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।